हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार की 13 साल की लड़की ज्योति कुमारी याद होगी आपको, जो अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा ले गई थी। तब किसी ने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन अब उसके घर नेताओं का तांता लगा हुआ है। ज्योति के घर आने वाले नेता सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह भी नहीं कर रहे। कोई ज्योति को लड्डू खिला रहा है, कोई कपड़े गिफ्ट कर रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग ने तो ज्योति को साइकिल और किताबें बांट दी। और फोटो आपका मौका कोई नेता कैसे छोड़ेगा, और यहाँ पर मौका था, दस्तूर था, और आगे की पढ़ाई के लिए उसके दाखिला भी करवाया गया है। और नेताजी जो है लड्डू खिला रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो संक्रमण का खतरा आप उनके लिए भी बढ़ा रहे हैं, खुद के लिए भी बढ़ा रहे हैं, जो आपके साथ हुजूम गया है उनके लिए भी बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये नेताजी तो अपनी पार्टी का बाकायदा पटका तक पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योति कुमारी को लड्डू मिठाई भी खिलाई जा रही, कपड़े भी दिए जा रहे हैं। यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, भीड़ पूरी हुजूम लेकर नेताजी पहुंचे उनके घर। ज्योति कुमारी का सम्मान करना ठीक है, उन्होंने बहुत ही दिलेरी से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर का सफर किया, लेकिन नेताजी आप लेट हो गए। दिलेरी से ज्यादा मजबूरी थी, 1200 किलोमीटर अपने पिता को साइकिल में ले जाना ज्योति की मजबूरी थी, जो उन्होंने किया। उसके बाद अब इनाम बांटा जा रहा है और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।